किसानों के सवाल पर माले ने फूंका पीएम मोदी का पुतला। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन तथा उसके ऊपर हो रहे दमन के खिलाफ आज भाकपा माले ने स्थानीय झंडा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव तथा गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने किया। किसानों ने के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे बेफिक्र होकर बेपरवाह मोदी सरकार देश की जनता का ध्यान बांटने की साजिश कर रही है और संघर्ष कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ सुरक्षा जवानों को उतार कर टकराव के रास्ते पर जा रही है। उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा मौजूदा सरकार ने अप्रासंगिक कर अब लड़ जवान मर किसान का नारा बुलंद किया है। कहा कि नए कृषि कानून के किसानों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। सब कुछ कॉरपोरेटों के रहमो करम पर रख छोड़ने की सरकार के खतरनाक प्रलांग है। सरकार को किसानों की इतनी फिक्र थी तो जिन किसानों की तथा कथित बेहतरी के लिए उन्होंने कानून लाए हैं उनसे कानून बनाने वक्त भी विचार करना था, लेकिन ऐसा नहीं कर सरकार ने कॉरपोरेट परस्ती में ही कानून किसानों को देश पर थोप दिए हैं, जिसका विरोध असंभव भावी है। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल काले कृषि कानून वापस लेकर किसानों को एमएसपी की गारंटी सहित उनकी अन्य सुविधाओं की गारंटी का कानून लाना चाहिए। आज के कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा समेत कई लोग उपस्थित थे। आज झंडा मैदान में पीएम मोदी जी का हम लोग पुतला दहन किए, क्योंकि किसान विरोधी जो कानून लाए हैं पूरे भारत पे उसमें किसानों की सहमति नहीं और दिल्ली जाने से उनको रोका जा रहा था। हालांकि किसान बहुत दमदार है, पंजाब को हम धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार पूरे भारत में किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है और हम लोग भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। भाकपा माले किसानों के साथ में है और मोदी सरकार जो भी गलत नीति लाती है 2014 से पहले वो जितनी बात चाहे वो किसानों की आत्महत्या की बात हो चाहे वो किसी भी तरह की बात हो जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि हम ये काम करेंगे, सबसे पहले उसी काम को उन्होंने खत्म किया। तो किसान के साथ हम लोग हैं, भाकपा माले किसानों के साथ में। जैसा कि पूरे देश को मालूम है अभी दिल्ली जाने के लिए जो किसान अपने हक अधिकार को लेकर के जो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे और उस रैली को उस किसानों के प्रदर्शन को मोदी सरकार ने रोकने का काम किया है। और असल में ये किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो तीन काले कानून लाए गए हैं जिससे किसान आने वाले दिन में पूरी तरह से कॉरपोरेटों के गुलाम हो जाएंगे, पूरा कृषि सेक्टर वो कॉरपोरेटों के रहमो करम पर जिंदा रहने को विवश होगा, तो ये काले कानून वापस लिए जाएँ। लेकिन ये जब ये कानून लागू किया गया तो इनसे कोई राय विमर्श किए बगैर इन्होंने अपने मन मर्जी से ये कानून थोपने का काम किया है। एक भी कानून ऐसा नहीं है जिससे किसानों को कोई फायदा हो, इसलिए किसान परेशान हैं। किसानों की ज़िंदगी पहले से ही तबाह है, हर साल हजारों किसान इस देश में आत्महत्या करने को मजबूर हैं अपनी व्यवस्था के कारण, इसलिए वे चाहते हैं ये काले कानून वापस हो, जिसको लेकर के उनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि उनके साथ तरीके से बात करने के बजाय सबसे पहले उनको वहाँ दिल्ली जाने से रोक दिया गया। ये बड़ी अजीब बात है कि किसान जिनको वोट देते हैं वो दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने वाले जो असली मालिक हैं किसान मजदूर इस देश के आवाम, वे अपने हक अधिकार को लेकर के जब भी दिल्ली कूच करते हैं तो सरकार उनको जाने से रोकती है। यह गलत है और हम समझते हैं कि यह किसानों की सभी मांगों को पूरा करना चाहिए सरकार को, और नहीं तो ये आंदोलन गांव-गांव में बढ़ेगा और आने वाले दिन सरकार को इनकी हर मांग को माननी तो पड़ेगी ही, साथ साथ में सरकार को जाना भी होगा। इसी बात को लेकर के आज यहाँ हम लोगों ने पीएम मोदी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है।